स्पोर्ट्स इन माई लाइफ. और मैं बहुत बार ये बता चुका हूँ कि शी हैज़ मेड अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस इन माई लाइफ टू पुट मी वेयर आई एम. और ये सच है, लाइक वेन माई मॉम केम टू डेली, शी ओनली न्यू हाउ टू डू शॉर्ट हैंड राइटिंग, एंड शॉर्ट हैंड उनको आता था. टाइपिंग उन्होंने वहाँ सीखी, फिर वो टाइपिस्ट बनी. वहाँ से शी वेंट अप टू बीइंग अ सेक्रेटरी, देन हैंडलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड देन शी वॉज हैंडलिंग मी एट द सेम टाइम. मॉम एंड डैड बोथ वर वर्किंग. और मेरे स्कूल की, मेरे कॉलेज की हर चीज़ की फीस मॉम पे करती थी, मेरे खर्चे मॉम उठाती थी और घर का खर्चा पापा उठाते थे. उसके अलावा लोन वोन ये सब कुछ मॉम डैड बांटते थे. पर और मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि मेरे घर में मेरे पापा से ज़्यादा मेरी मम्मी कमाती थी शुरुआत से ही. माई मॉम हैज़ ऑलवेज बीन द बिगर अर्निंग हैंड इन माई फैमिली. एंड हमारे घर में इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि दोनों काम करते थे और जो जितना भी कमाए उतना अच्छा है. मैंने बचपन से अभी अपने घर पे कभी मेल ईगो देखी नहीं. कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरे पापा मेरे मॉम डैड की लव मैरिज है. और लव मैरिज के बावजूद मैंने आज तक उन्हें लड़ते भी नहीं देखा. और नहीं देखा तो मतलब मैंने सीखा भी नहीं वो चीज़. और अब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ यार. पहले तो यही बहुत बड़ी बात होती थी, वो लव मैरिज कर ली, कितना गलत देखा जाता था उस नज़रों से. पर आज देखो यार, उन्होंने लव मैरिज करी, उस टाइम पे गलत था, हुई होंगी कुछ प्रॉब्लम्स, मेरे को यकीन है. मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर उन्होंने अपनी तरफ से मेरे को बेस्ट परवरिश दी और वही दलिन नायर रफ्तार बन गया. और मैं उस परिवार से आता हूँ जिस परिवार में मेरा एक भाई तो लिफ्ट मैकेनिक है, दूसरा भाई मेरा इलेक्ट्रीशियन है. कज़न भाइयों की बात कर रहा हूँ. कोई भी, आई बी द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन इन माई फैमिली. इट्स बिकॉज मेरी मम्मा हमेशा यही कहती थी, मैंने 6 स्कूल बदले हैं यार, हर स्कूल से मुझे निकाल देते थे. मेरी मम्मी कभी भी मेरी पढ़ाई रुकवा सकती थी, पर उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं. जब मेरी वहाँ पे पढ़ाई खराब हुई तो हॉस्टल भेज दिया, हॉस्टल से आया यहाँ आ दिया, यहाँ पे आया फिर मेरे को कोई गलत ट्रीट करता था किसी स्कूल में किसी रीज़न से, या कुछ भी बात होती थी मैं लड़ाई करता रहता था तो दूसरा स्कूल, फिर कॉलेज. हर सैटरडे मेरी मम्मी को स्कूल आना पड़ता था मेरी रिपोर्ट लेने. ये उनको आदेश मिले गए थे मेरी प्रिंसिपल से. मेरे कॉलेज में वो बार बार विजिट करती थी. मतलब ऐसी, आई वॉज सच अ डिफिकल्ट चाइल्ड. मॉम मेरे को बचपन में साइकोलॉजिस्ट के पास भी लेके गई है कि इतना हाइपर है, इसका क्या करें. तो मेरी माँ ने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, और अगर छोड़ दी होती तो आज शायद ये ना होता. मतलब माई मॉम मेड मी अ मिलियनेयर. सो या इट्स रियली इंपॉर्टेंट. माई मॉम इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड एवरीबडीज मॉम इज. और कभी ये मत सोचो कि यार आपके घर वाले आपको रोकते हैं. मेरे घर वालों ने भी थोड़ा सा रोका है, सपोर्ट भी किया, रोका है. वो इसलिए रोकते हैं क्योंकि उनको डर ये होता है कि आपका फ्यूचर खराब ना हो जाए. वो आपका फ्यूचर सिक्योर चाहते हैं. उन्होंने कर लिया जो अपना करना है यार. और उसके बाद एक फेज हो जाती है, एनर्जी ऐसे खत्म हो जाती है बॉडी से कि आपको ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं होता. आप सिर्फ बेड पे बैठ के आराम करना चाहते हो. मेरी मम्मी आप घर पे बैठती है, टीवी देखती है, आईपैड पे कैंडी क्रश खेलती है और मेरे को बोलती है मैं इस लेवल पे पहुंच गई, मैं पीछे हूँ. मेरी एक कज़न दीदी के साथ वो ऑनलाइन फेसबुक पे मल्टीप्लेयर खेलती है एंड गुरप्रीत पाजी, और बोलती है कि मैं पीछे रह गई हूँ, मेरे को इससे और खेलना है. तो इट्स लाइक अब मेरी मॉम मेरी बेटी हो चुकी है. मतलब ऐसा सीन हो चुका है. यस मैन. कुछ देखते हैं. और काफ़ी मतलब ये फेसबुक के साथ इन्वॉल्व होकर इनिशिएटिव लिया है कि मैं बात करना चाहूँगा द वुमेन पार्ट ऑफ द सोसाइटी. यार मेन स्ट्रीम में इस टाइम पे फॉर्ब्स के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा भी आती है, सुपर वुमन भी आती है. प्रियंका चोपड़ा बिग बिकॉज बॉलीवुड, यहां से बड़ा, यहां वो बड़ी हुई फिर वहां गई, वहां पे उन्होंने नाम फैलाया. पर सुपर वुमन को देखो ना, शी इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर. बट कितना भी वो कनाडा में पैदा हुई हैं, कुछ भी हुआ है, पूरी दुनिया उनके पीछे पागल है, पर वो जानी जाती हैं कि सुपर वुमन इज एन इंडियन. That brown color, we need to be proud of the fact as well. ये हमारी भी बच्ची है हमारे ऑफिस में, प्राजक्ता कोहली है. प्राजक्ता वेरी प्राउड ऑफ प्राजक्ता मैन. आई कीप इन शर्ली सेटी, आई मेट ऑन द फ्लाइट यस्टरडे डे बिफोर एंड शी इज ऑल्सो सच यंग टैलेंट. देयर सो मेनी टैलेंटेड यंग गर्ल्स नाउ. इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिजिटल होने की. वैसे मैं तो बहुत ग्लैड हूँ कि डिजिटल हुआ, वो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि जिन लोगों की आवाज़ बाहर नहीं पहुँच पाती थी ना, वो भी पहुंच रही है. हाँ, गेहूं के साथ घुन भी आएगा, गंद भी बहुत आएगा, उसको छाटना मुश्किल होगा, नेगेटिव्स उसके भी हैं, पर अच्छा है लोगों की आवाज़ पहुंच रही है. मैं भी बहुत ग्लैड था कि जब मैं गाने ऑनलाइन डालने लगा तभी नया नया रिवर्ब नेशन आया था. ऑर्कुट
कि कम्युनिटीज होती थी और रिवर्ब नेशन होता था, माई स्पेस होता था, तब ना साउंड क्लाउड था ना यूट्यूब था, और उसके बाद यूट्यूब वगैरह कुछ भी आया। चलो यार मैं थोड़ा तुम लोगों से बात करूं पहले। तरुण मारू, यस योर मदर इज सपोर्टिंग यू और आई एम ग्लैड शी इज डूइंग इट मैन। सागन सरीन, भाई मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ अंडरग्राउंड रैपर्स को, और अंडरग्राउंड मेन स्ट्रीम, ये अपने आप को ऐसे बाटा मत करो, ये सब अलग अलग नाम से बोल के बाटा मत करो। होल्ड कीजिए जग्गी भाजी, भाई फेसबुक लाइव पे हूँ और आपका फोन उठाया हुआ है। रुको लाउड स्पीकर पे डाल रहा हूँ, सारे बंदों को बोलो कि नमस्कार बोलो। ये हमारे जग्गी भाई एमटीवी वाले, बहुत बढ़िया भाई। मैं लाइव पे, मैं सुख को बुला कर ना फोन देता हूँ, मेरे को 2 मिनट दो। ओके ब्रो, लव यू मैन, लव यू भाई। रिस्पेक्ट तो सबको मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट वापस मिलेगी। ये आपके हाथ में है, बहुत कुछ आपके ही हाथ में है। ये इस चीज पे ब्लेम मत करो कि वो करता था तो मैंने भी किया। अगर आप कर रहे हो और कुछ भी करते टाइम अगर आपको घबराहट हो रही है ना, कुछ भी करते हुए आपको डर लग रहा है या अंदर से डाउट हो रहा है, तो तुम्हें पता है वो चीज गलत है, तो उस चीज के ऊपर डिबेट मत करो। गलत है तो गलत है, मत करो यार। देखो यार, मैं बहुत सिंपली बात बोलूंगा, एक रैपर हूँ। इमेज बहुत गलत होती है कि रैपर है हरामी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और अब मेरे जिन्होंने भी मेरे साथ काम किया है या जो भी मुझसे मिल चुका है, अगर आपके आसपास कोई है तो उनसे पूछना कि आई रिस्पेक्ट एवरीबडी एंड द ओनली रीजन इज बिकॉज मेरे को बहुत लोगों ने रिस्पेक्ट किया वाला है वो इज कमिंग अप। मैंने अपने घर पे यही चीज सीखी है कि मेरे पापा कभी ऊंची आवाज में मम्मी से बात नहीं करते थे, मेरी मम्मी कभी पापा से लड़ती नहीं थी। पैसों की भी प्रॉब्लम आए तो वो आपस में बात करते थे चुप होके, मेरे सामने पापा ने आज तक गाली भी नहीं दी। चाहे उनका बाहर का काम रेलवेज का है, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में थे, बिल्कुल मतलब आप समझ सकते हैं एकदम स्टार्टिंग लेवल वाली जॉब है मेरे डैड की, अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं जो वो। मैं सल्यूट करता हूँ उनको इस बात पे, वो कहते हैं मैं घर बैठ के क्या करूँगा। वो कहते हैं मैं ये नहीं चाहता कि मैं जॉब जाना छोड़ दूँ और मेरे यार दोस्त ये बात सोचें कि ज़्यादा बड़ा बन गया ये वो। मैं, मेरे को इस लाइफ की आदत हो गई है, मैं इसी लाइफ में रहना चाहता हूँ, और इसलिए मैं उनको खुश देख के बहुत खुश हूँ। यार मैं तो बहुत ग्लैड था इस बात से कि जब मैंने धाकड़ किया था तो मुझको पता भी नहीं था कि वो दंगल मूवी के लिए जाएगा। और जब वो दंगल मूवी के लिए गया, फिर वहाँ जाके मैंने हॉल में, मैंने आमिर सर के साथ मूवी देखी थी, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया, सो नाइस ऑफ हिम। और उसके बाद जिस तरीके से मूवी में वो गाना आता है, स्पीचलेस मैन। रहमान सर का कॉल आया, रहमान सर कॉल पे मेरे को बोलते हैं कि रफ्तार इट्स सो नाइस टू सी यू, सी योर नेम एवरीवेयर, एंड मतलब मेरे लिए वो बहुत काफ़ी था कि वो मिलते हैं, वो प्यार से बात करते हैं, क्योंकि यार सबसे मिलना हो जाता है। ये कुछ ऐसे गिने चुने आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री के जो सिर्फ उन लोगों के साथ काम करते हैं जो अपने काम के साथ ट्रू होते हैं। और रहमान सर ने जिस दिन में कोई बात बोली थी कि रफ्तार आई लाइक द वे यू वर्क एंड आई लाइक यू वर्क, उस दिन के बाद मैंने सेल्फ डाउट तो छोड़ दी और लोगों के नीचे कमेंट पढ़ के ना चीज़ें सीखना छोड़ दी, मतलब कमेंटों को दिल पे लेना छोड़ दिया, क्योंकि सब खुश हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते खुश, ये चीज़ तो फैक्ट है। चलो अगेन, जाने से पहले मैं बोल, मोहित भैया, ये नीचे मोहित वत्स भैया हैं, मैं इनके यहाँ पे डांस सिखाता था, डांस एक्सप्लोजन करके इनका वो होता था स्टूडियो, वहाँ पे मैंने सबसे पहले डांस सिखाना स्टार्ट किया, और वहाँ से लेके आज तक ये साथ हैं हमेशा। ही बिलीव्ड इन मी, बीच में तो मेरे प्रोड्यूसर भी बनने की कोशिश कर रहे थे। That was so cute, man. मैं बंदे देख रहा हूँ, बंदे देख रहा हूँ। चलो यार, मतलब there's so many people out there and I wanna say thank you for letting me be who I am. Thank you for making me able to spread my message out there. मेरे को सुनने के लिए बहुत thank you यार। और एल्बम आ रही है 0 to Infinity, वेट करना। Z2I पहला गाना BMM, रेमो सर ने शूट किया है, नौरा फतेही है उसमें, और आई होप यू लाइक इट मैन। मैंने अपनी तरफ से पूरी क्लीन रखने की कोशिश करी है जितना हो सकता था, जितना मतलब जितना क्लीन है मेरी डेफिनेशन में, और आई होप यू लाइक इट मैन। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू, होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड, all the great days, blessings to everybody, happy women's day, and I'm really thankful to Facebook for choosing me to be a part of their
मैसेज बिकॉज शी मीन्स बिजनेस, शी मीन्स बिजनेस. मैंने इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे काम करता हूँ, ये प्रोडक्शन हाउसेस में देखता हूँ ना कि लड़कियों का दबदबा ऐसे चलता है कि वो किसी लड़की को आवाज़ मार के बोलती है, लड़का भागता हुआ है काम करने के लिए. सो दैट इज स्ट्रांग. लेट्स बी स्ट्रांग, लेट्स बी टुगेदर, लेट्स बी इक्वल, लेट्स क्रिएट अ बैलेंस. वो यिंग और यांग दोनों जरूरी हैं, उसके बिना टी पॉजिटिविटी पीस कुछ नहीं हो सकता. सो लेट्स बी बैलेंस, लेट्स बी इक्वल. हैप्पी वुमेन्स डे एवरीबॉडी. थैंक यू गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल मैन, लव यू.